Hello students, as we have already started lesson number 4, common insects of general science. So today we will start further social insects. Some insects like ants and bees live in colonies. Kuch insects jaise ants hoti hain ya phir bees pata hai na madhumakhiyan. वो क्या करती हैं ही सेड कि वो कॉलोनीज में रहती हैं मींस इकट्ठी रहती हैं एक दूसरे के साथ. दे आर सोशल मींस आपको नॉर्मली हमारे कहीं पे भी आपको दिखाई देंगी वो. एंड हैव डिवीजन ऑफ लेबर वो अपना काम डिवाइड करके करती हैं. ऐसा नहीं है कि सारा काम एक ही करता है. उन्होंने अपना काम डिवाइड करा होता है कि किसने एग ले करने हैं, ठीक है, किसने हमारे उसको पूरे नेस्ट को प्रोटेक्ट करना है, ये सारा उनका काम डिवाइड होता है. किसने फूड लेके आना है. दे हैव डिवीजन ऑफ लेबर, राइट. नेक्स्ट ही हैज़ एक्सप्लेन्ड अबाउट एंट्स. एंट्स लिव इन नेस्ट दैट हैज़ नेटवर्क ऑफ टनल्स. जो एंट्स होती हैं वो ऐसे नेस्ट में रहती हैं जहाँ पे उन्होंने टनल्स बनाई होती हैं, नेटवर्क ऑफ टनल्स. मीन्स इधर से भी एंटर हो सकते हैं, उधर से निकल सकते हैं, ऐसी लंबी लंबी जैसे गुफाएं वगैरह होती हैं ना, वैसा उन्होंने अपना एक नेस्ट बनाया होता है. ईच नेस्ट और कॉलोनी हैज़ अ क्वीन एंट. हर एक कॉलोनी के अंदर एक क्वीन एंट होती है, मीन्स रानी एंट होती है, रानी होती है एक उनकी. Whose job is to lay eggs? उसका काम क्या है? Egg lay करने का. The worker ants collect and store food and feed the larva that hatches out of eggs. ये तो queen ant का काम हो गया. अब worker ants का क्या काम है? वो क्या करती हैं? They collect and store the food. वो खाना इकट्ठा करती हैं and food को store करती हैं ताकि बाद में उनके काम आ सके. एंड जब जो इसने एग ले करे हैं, अंडे दिए हैं, जो जब वो हैच होते हैं, ब्रेक होते हैं, टूटते हैं, जो उसमें से छोटा सा लार्वा बाहर आता है उसको लाइक उसको खाना खिलाने का काम भी वर्कर एंट्स का ही होता है, राइट. नेक्स्ट इज सोल्जर एंट्स. देखो इन्होंने अपना काम डिवाइड कर लिया. क्वीन एंट हर वर्क इज टू ले एग्स, वर्कर एंट्स खाना फूड कलेक्ट करना एंड स्टोर करना एंड लार्वे को फीड करना. सोल्जर एंट्स. सोल्जर एज द नेम शोज, सोल्जर मीन्स क्या होगा? जो प्रोटेक्ट करेंगे, प्रोटेक्ट द कॉलोनी एंड द क्वीन. इन दोनों को प्रोटेक्ट करने का, बचाने का काम किसका होता है? सोल्जर एंट्स का. होप यू गोट. और ये देखो कितना इंटरेस्टिंग आज आपने सीखा है कि एक क्वीन एंट होती है वो एग ले करती है, वर्कर एंट वो फूड को स्टोर करती हैं, कलेक्ट करती हैं, लार्वे को फीड करती हैं, सोल्जर एंट्स क्या करती हैं कॉलोनी एंड क्वीन को क्या करती हैं? प्रोटेक्ट करती हैं. नेक्स्ट इज बीज. बीज लिव इन अ ग्रुप. देखा होगा आपने मधुमक्खी के हाइव्स, बी हाइव्स देखे होंगे आपने. बीज लिव इन अ ग्रुप, देयर नेस्ट इज कॉल्ड अ हाइव. उनके नेस्ट को क्या बोलते हैं? हाइव बोलते हैं. इस जो मधुमक्खी का छत्ता होता है उसको हाइव बोलते हैं. दैट इज़ मेड अप ऑफ वैक्स. वो वैक्स से बना होता है. वैक्स क्या? अभी मधुमक्खियाँ जो भी नेक्टर सक्कर के लाती हैं यहाँ पे यूज़ करती हैं, इस उसी से वैक्स बनता है. लाइक एक ये अपने अंदर से एक ऐसा सब्सटेंस भी निकालती हैं जिसके साथ वैक्स बनता है, ठीक है. फर्दर ये वैक्स को यूज़ करती हैं, इसी में भी एग ले करती हैं. Hives have many small cells. They are shaped like a hexagon. जो हाइव है ना इसमें छोटे 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 कितने सारे शेड होते हैं जिनको इसने बोला है स्मॉल सेल्स होते हैं, ठीक है. उनकी शेप कैसी होती है दिखने में? हेक्सागन. हेक्सा का मतलब होता है बेटा सिक्स, गन का मतलब होता है साइड्स. ऐसी शेप बनती है जिसकी सिक्स साइड्स हों. 1, 2, 3, 4, 5, 6 कुछ इस तरीके के सेल बने होते हैं, इस शेप के सेल इसके सारे के ऊपर बने होते हैं. और इसके अंदर बाद में क्या करती हैं? ये एग ले करती हैं. इन सेल्स के अंदर जो शेप बनी होती है इसके अंदर एग होते हैं. देर इज़ अ सिंगल क्वीन बी एज लाइक एंट्स. देर इज़ अ सिंगल क्वीन बी, रानी मधुमक्खी होती है, दैट जस्ट ले एग लेज एग्स. वो क्या करती है? एग ले करती है. The eggs are sealed inside the cells. Eggs जो हैं इन ऐसे जो सेल मैंने आपको बताया बने हुए सारे इसके अंदर सील किए जाते हैं.
टिल दे हैच इंटू लार्वा, जब तक कि वो ब्रेक नहीं होते, ठीक है, लार्वा बाहर नहीं निकलता. द वर्कर वीज एज लाइक एंट बीज, सॉरी एज लाइक एंट वर्कर्स, वर्कर बीज कलेक्ट नेक्टर, वो क्या करती हैं, नेक्टर कलेक्ट करती हैं फ्रॉम द फ्लावर, उनका रस लेके आती हैं इकट्ठा करके. इन द हाइव दे चेंज दिस नेक्टर इंटू हनी. वर्कर बीज का दूसरा काम क्या है, पहले उन्होंने नेक्टर सक करके लेके आना फ्लावर में से और उसको फिर चेंज कर देना है इंटू हनी जो आप खाते हो. द वर्कर बीज लुक आफ्टर द लार्वा, और वही वर्कर बीज क्या करती हैं, लार्वे की टेक केयर भी करती हैं. जो एग जब हैच होता है, ब्रेक होता है, उसमें से जो छोटा सा लार्वा बाहर निकलता है, एक जिसने आगे मधुमक्खी बनना है, उसकी टेक केयर भी वर्कर बीज ही करती हैं. वन इंटरेस्टिंग फैक्ट बेटा, वर्कर बीज कीप द हाइव कूल, कि जो ये इनका हाइव होता है, बी हाइव होता है, जो इसको ये कूल रखती हैं वर्कर बीज, इनका ये भी काम हो गया. बाय फैनिंग इट देयर विंग्स, अपने विंग्स को ऐसे बार 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 हिला के उसके साथ क्या करती हैं, उसको हवा मारती हैं, ठीक है, उसको कूल रखती हैं, राइट. सो नेक्स्ट टॉपिक लाइफ साइकिल ऑफ बटरफ्लाई विल डू इन नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू.